वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। यूपी के सीएम ने साफ कर दिया है कि राज्य में प्रवासी मजदूरों का आना जारी है, साथ ही आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलकर रोजगार बढ़ाए जाएंगे। अभी हमारे पास जो माइग्रेंट लेबर आ रही हैं, लगभग 12 लाख के आसपास आ चुकी हैं, और मेरा ये मानना है कि 10 लाख के आसपास और आने हैं। 20 से लेके 25 लाख तक ये माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आएंगी। हम इनकी स्किलिंग कर रहे हैं। अब आश्चर्य करेंगे, स्किलिंग में जो तथ्य हमारे सामने आए हैं अब तक, यानी इसमें ड्राइवर भी हैं, इसमें टेलर भी हैं, इसमें प्लम्बर भी हैं, इसमें अलग अलग राजमिस्त्री भी हैं, इसमें अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले बहुत अच्छी स्किल के साथ कार्य करने वाले दक्ष, जो जिसे आप कह सकते हैं, वह हमारे पास उस प्रकार का मैन पावर हमें इस माइग्रेंट लेबर के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इन सबके लिए उसके अनुरूप कार्य करने के लिए उस प्रकार का मंच देना। मामले आपको बता दे, कोरोना के 8,000 के करीब जा पहुंचे हैं और मौत का आंकड़ा भी 2 दिन में बढ़ा है। साथ ही दिल्ली की गाजीपुर मंडी बंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस पर भी कोरोना संकट गहराने लगा है। राजपथ नगर पुलिस स्टेशन के SHO कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ताजा हाल बता रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। दिल्ली में कल कुल 9 डेथ जुड़ी हैं, जिसको मिलाकर अभी तक कुल 115 डेथ हो चुकी हैं। और मैं फिर से बता देता हूं कि जो हमने 3 दिन पहले आदेश दिए थे सभी अस्पतालों को, ये सब अपनी डेथ समरी जितने भी डेथ केस हैं सबकी भेजें, तो सब आ रही हैं, तो वो एक दिन के नहीं है, ये एडअप होके अब तक कुल मिला के 115 केसेज हो चुके हैं। यानी सर आपने सभी अस्पतालों को आपने इसीलिए सब बोला है क्योंकि जो डेथ को लेके जो आपने? नहीं, देखिए हॉस्पिटल, मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी डेथ होती है ना, आप देखिए 4 डेथ हुई तो आप पूछेंगे नहीं कि किसका नाम था, नाम बताइए, उम्र बताइए, उसके कहते हैं क्या बीमारियां थी, सब कुछ पूछना पड़ता है। डेथ समरी के बिना तो मतलब कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल सकता ना। तो हमने डिजास्टर एक्ट के अंदर सबको आदेश दिया है कि सभी लोग अपनी डेथ समरी हमें सबमिट करें। तो आपको बता दें कि दिल्ली में फिलहाल दिल्ली रेल भवन को सील कर दिया गया है। यहाँ पर कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आने के बाद दिल्ली रेल भवन को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है, और यहाँ पर जब तक पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का काम नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर काम नहीं शुरू होगा। दिल्ली में कोरोना केस के करीब 8,000 मामले अब सामने आ चुके हैं, और ऐसे में दिल्ली में कोरोना से अब तक 115 लोगों की मौत भी हो गई है। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कोरोना के बीच अपने पुलिसकर्मियों के लिए 6 एम्बुलेंस लॉन्च किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। देश की सबसे स्मार्ट दिल्ली पुलिस में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली पुलिस में तकरीबन 155 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें एक IPS ऑफिसर भी हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अलग से ये मॉडिफाइड जो एम्बुलेंस है वो लॉन्च की है। ये 6 गाड़ियां हैं स्कॉर्पियो की, जिनको बाकायदा मॉडिफाइड किया गया है। ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं, इसमें बाकायदा जो ये ड्राइवर होंगे वो PPE किट पहनकर अंदर बैठेंगे, ताकि इनको किसी तरह का संक्रमण न हो जाए। और उसके बाद जो पुलिसकर्मी हैं उनको अस्पताल तक ले जाया जाएगा। जो PPE किट पहनकर ड्राइवर है इस एम्बुलेंस के, जो दिल्ली पुलिस की, उनसे हम बात करते हैं। सर अपना नाम बताएं। कांस्टेबल संदीप कुमार। संदीप जी, इस एम्बुलेंस में क्या खासियत है, क्या क्या है इसमें? ये बिल्कुल सेपरेट रखती है पेशेंट को पुलिस पर्सन से जो पॉजिटिव नहीं है जी। जो पेशेंट होता है उसको लेकर हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ एडमिट कराते हैं, उसके बाद सारी गाड़ी सैनिटाइज होती है। अच्छा। प्रॉपर सफाई होती है गाड़ी की, उसके बाद अपने पॉइंट पे आते हैं। और अच्छा। अदर कॉल मिलती है, फिर वही प्रोसीजर होता है, तमाम तरह के केमिकल्स दिए हुए हैं जो एंटी कोरोना है। तो ये 6 गाड़ियां हैं, और आपको बताऊं कि एक के बाद एक हर रोज तकरीबन दिल्ली पुलिस के बीच से ये खबर आती है कि कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया। कल उत्तम नगर थाने के जो SHO हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो लगातार दिल्ली पुलिस के बीच से ये खबर आ रही है कि हर रोज, चूंकि ड्यूटी पर तैनात है, फर्ज भी निभाना, ऐसे में जो जवान है वो कोरोना संक्रमित हो जा रहा है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने फैसला लिया है और इस तरह की एम्बुलेंस लॉन्च की है, खासकर पुलिस कर्मियों के लिए। कैमरामैन रोहित के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।